200 अगर आप फ़ोन के सेटिंग में आओगे और यहाँ से बैटरी ऑप्शन में आते हो और यहाँ पर देखिए फ़ोन के डिस्प्ले में सबसे ज़्यादा बैटरी खर्च हो रहा है और आप सोचते हो फ़ोन में इस ऐप की वजह से उस वजह से बैटरी जल्दी डाउन हो रहा है। यहाँ पर देखिए फ़ोन के स्क्रीन में 57% बैटरी खर्च हो रहा है। आज इस वीडियो में फ़ोन के डिस्प्ले में कुछ ऐसे हिडन सेटिंग्स बताऊंगा। उन हिडन सेटिंग्स को फ़ोन के डिस्प्ले में करने के बाद एक बार फ़ोन चार्ज करोगे बैटरी बैकअप बढ़ जाएगा, बैटरी सेफ हो जाएगा, फ़ोन की बैटरी कई दिनों तक चलेगा। जी हाँ दोस्तों, फ़ोन के डिस्प्ले में सबसे ज़्यादा बैटरी खर्च होता है, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो फ़ोन के स्क्रीन में 57% बैटरी खर्च हो रहा है। अगर आप जानना चाहते हो फ़ोन के डिस्प्ले में वो हिडन सेटिंग क्या है जिसे करके आप फ़ोन के बैटरी को लॉन्ग टाइम यूज़ कर सको, बैटरी बैकअप बढ़े, छोटी सी वीडियो की फ्रियो को बिना स्किप करें आखिर तक ज़रूर देखना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्यास भैया, स्वागत है मेरे रूप नॉलेज टेक्निकल फास्ट पोच में। चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आसवी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है ज़रूर से वीडियो पे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल पे सेट करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों बात कर लेते हैं प्रोसेस की। मैं आपको बताता हूँ वो हिडन सेटिंग है क्या जिसे फ़ोन के डिस्प्ले में करने के बाद एक बार फ़ोन चार्ज करोगे बैटरी बैकअप बढ़ जाएगा, बैटरी जल्दी डाउन नहीं होगा। तो फ़ोन में सेटिंग ओपन कर लीजिए। सेटिंग ओपन करने के बाद और जो भी आपको सेटिंग्स बताऊँगा सभी एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है डिस्प्ले, अगर आपको यहाँ पर सेटिंग में डिस्प्ले ऑप्शन नहीं मिल रहा है ऊपर देखिए सर्च बॉक्स है, यहाँ पर डिस्प्ले सर्च कर लीजिए। कुल मिला के आपको डिस्प्ले सेटिंग में आना है। डिस्प्ले सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर देखिए बहुत सारे सेटिंग ऑप्शन हैं और डिस्प्ले के अंदर कुछ ऐसे हिडन सेटिंग्स हैं जिसे करने के बाद बैटरी जल्दी डाउन नहीं होगा, बैटरी सेफ हो जाएगा। तो पहला सेटिंग यहाँ पर देखिए ऑप्शन है बैटरी लेवल, ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है। जैसे ये ऑप्शन सिलेक्ट करोगे यहाँ पर एक ऑटोमेटिक ब्राइटनेस और ये सेटिंग आप सभी के फ़ोन में ज़रूर से ऑन होगा। ये सेटिंग ऑन होने से होता क्या है, यहाँ पर ये ब्राइटनेस लेवल अपने आप कभी यहाँ पर फुल हो जाता है फिर कम हो जाता है, तो ये इस तरीके से कम और ज़्यादा होता रहता है जिससे बैटरी काफ़ी यूज़ होता है। यहाँ से आपको ऑटोमेटिक ब्राइटनेस ये सेटिंग ऑफ करना है, ऑटोमेटिक ब्राइटनेस ये सेटिंग ऑफ कीजिए और आपको जितना भी डिस्प्ले में लाइटिंग चाहिए ब्राइटनेस चाहिए वो आपको यहाँ से मैनुअली इस तरीके से सेट कर लेना है, ठीक है, जितना भी आपको चाहिए। इससे क्या होगा यहाँ पर ब्राइटनेस कम या फिर ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो ये सेटिंग सबसे पहले आपको करना है और ये था पहला सेटिंग। अभी बढ़ते हैं दूसरा सेटिंग, इसी डिस्प्ले के अंदर ही आपको दूसरा सेटिंग करना है। नीचे देखिए ऑप्शन है कलर स्कीम, कलर स्कीम के ऊपर यहाँ पर क्लिक करना है और ये देखिए आपके फ़ोन में ज़रूर से ये सैचुरेटेड में सेट होगा। यहाँ पर नीचे देख सकती हो ऑलवेज इनहेंस कलर, यानी जो डिस्प्ले कलर है वो आपको काफ़ी अच्छा तो देखने को मिलेगा लेकिन बैटरी काफ़ी यूज़ होता है, बैटरी जल्दी डाउन होता है यहाँ पर सैचुरेटेड पे सेट होने से। ऊपर देखिए ऑप्शन है ऑटो रिकमेंडेड और ये रिकमेंडेड भी है, सो यहाँ से आपको ऑटो सेलेक्ट करना है। नीचे देखिए लिखा है एडजस्ट कलर बेस्ड ऑन द करेंट लाइटिंग, यानी ऑटोमेटिक एडजस्ट होता है ब्राइटनेस यहाँ पर जो कलर है स्क्रीन कलर है, तो यहाँ से आपको ऑटो रिकमेंडेड पे ही सेट करना है ताकि बैटरी यहाँ पर सेफ हो, ठीक है। तो यहाँ से आपको सेचुरेटेड से हटाकर ऑटो रिकमेंडेड में सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये था दूसरा सेटिंग। ये करने के बाद अभी बात कर लेते हैं तीसरा सेटिंग। तो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आइए, नीचे देखिए ऑप्शन है ऑटो रोटेट स्क्रीन और ज़रूर से आप सभी के फ़ोन में यह सेटिंग ऑन होगा और ये सेटिंग ऑन होने के वजह से बैटरी काफ़ी यूज़ होता है। जैसे यहाँ पर एक ऑटो रोटेट स्क्रीन ये सेटिंग अगर ऑन होगा तो अगर आप इस तरीके से फ़ोन लोगे फ़ोन स्क्रीन रोटेट हो जाएगा, फिर इस तरीके से करोगे फ़ोन स्क्रीन रोटेट हो जाएगा, यानी ये जैसे आप फ़ोन यूज़ करोगे फ़ोन स्क्रीन रोटेट होता है और इससे बहुत ज़्यादा बैटरी खर्च होता है। यकीन मानना दोस्तों मैं सच कह रहा हूँ, इससे काफ़ी ज़्यादा बैटरी खर्च होता है। तो यहाँ से ऑटो रोटेट स्क्रीन ये सेटिंग आपको बंद करना है, ठीक है। ऑटो रोटेट स्क्रीन अगर आप ये सेटिंग बंद करती हो इससे आपका बहुत ज़्यादा बैटरी सेफ होगा। तो ये था नंबर 3 सेटिंग। अभी बढ़ते हैं नंबर 4 सेटिंग और ये सेटिंग से आपके फ़ोन में 60% तक बैटरी सेफ हो जाएगा, डायरेक्ट 60% 60% बैटरी सेफ होगा। जैसे तो यहाँ से आपको पूरा ऊपर आना है और ऊपर यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, लाइट मोड डार्क मोड, ठीक है। तो यहाँ से आपको डार्क मोड ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है, ठीक है।
जैसे यहाँ पर डार्क मोड सिलेक्ट करोगे, यहाँ पर देख सकते हो डिस्प्ले यहाँ पर डार्क हो चुका है और सभी लाइट यहाँ पर देखिए बंद हो चुका है। जो सिर्फ ऑप्शन है वो यहाँ पर ये लाइट आपको देखने को मिलेगा और इससे बैटरी बहुत ज़्यादा सेव होता है। जैसा कि मैंने आपसे कहा 60% तक यहाँ पर बैटरी सेव हो जाता है डार्क मोड ऑन करने से, ठीक है। तो चौथे सेटिंग के अंदर आपको यह डार्क मोड एनेबल करना है। अभी बढ़ते हैं नंबर 5 सेटिंग, और ये सेटिंग यकीन मानना करने के बाद दोस्तों 90% बैटरी आपके फ़ोन में सेफ हो जाएगा और कई दिनों तक आपके फ़ोन की बैटरी चलेगा, ठीक है। और ये सेटिंग करने के लिए नंबर 5 सेटिंग एक छोटा सा ऐप डाउनलोड करना है। ये ऐप कहाँ से डाउनलोड करोगे वीडियो के आखिर में बताऊँगा, सबसे पहले कैसे यूज़ करना है ये जान लीजिए। तो यहाँ से ऐप मैं ओपन कर लेता हूँ और यकीन मानना कमाल का ऐप है, छोटा सा ऐप है, ज़रूर से आप सभी के फ़ोन में ये ऐप होना चाहिए, ठीक है। तो कैसे यूज़ करना ये इम्पॉर्टेंट है और ये सेम यूज़र इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर देखिए ये प्रोसेस देख सकते हो, यहाँ पर ये जो बैटरी लेवल है ये इस तरीके से ये मेज़र करता है। तो यहाँ पर नीचे अगर आप आओगे देखिए यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप नीचे यहाँ पर आओगे देखिए, ठीक है, आपको यहाँ पर पूरा नीचे आना है, इस तरीके से नीचे आइए। नीचे देखिए बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिलेंगे, यहाँ से आप ये इन ऑप्शंस को भी यूज़ कर सकते हो। कैप्चर स्क्रीन, ऑटो ऑडियो रिकॉर्डर, देखिए ऐप मैनेजर, बैटरी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ स्पेशली। वैसे इस ऐप के अंदर नहीं तो आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन है बैटरी सेवर, ये ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है बैटरी सेवर। जैसे ये ऑप्शन सिलेक्ट करोगे यहाँ पर एक ऑप्शन है लॉन्ग लाइफ मोड, नीचे देखिए क्लासिक मोड, स्लीप मोड, कस्टम मोड। अगर आप चाहते हो यहाँ पर बैटरी काफ़ी लंबे समय तक चले तो यहाँ से आपको क्या करना है, लॉन्ग लाइफ मोड ये ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर ग्रांट नाउ ये परमिशन बस आपको एक बार अलाउ करना होगा। तो ये सेटिंग मैं यहाँ से अलाउ कर देता हूँ, फिर आपको यहाँ से बैक करना है। जैसे आप यहाँ से बैक करोगे वापस से यहाँ पर सिलेक्ट करना है, ये करने के बाद देख सकते हो यहाँ पर स्विच टू यहाँ पर ये सेटिंग ऑन हो चुका है। यकीन माना ये करने के बाद यहाँ पर बैटरी 90% तक सेव हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ाकर दिखाता हूँ, ये देख सकते हो यहाँ पर ये सेटिंग ऑन हो चुका है, ठीक है। तो ये ऐप डाउनलोड करोगे कहाँ से, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट ऐप लिंक है, वहाँ से डाउनलोड करना, मेरे लिंक से ही डाउनलोड करना ताकि सही ऐप डाउनलोड कर सको। यकीन मानना दोस्तों इस ऐप को ज़रूर से यूज़ करना, ये करने के बाद आपके स्क्रीन में यहाँ जो ब्राइटनेस है वो कम हो जाएगा, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंटरनल उसे वो फिक्स करेगा और बैटरी यहाँ पर सेफ हो जाएगा। एक बार ट्राई करना फिर कहना ये ऐप वर्किंग नहीं है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज़रूर से ये डाउनलोड कीजिए, ट्राई कीजिए। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा जिससे आप फ़ोन के डिस्प्ले में ये 5 सेटिंग करके, जो मैंने आपको 5 सेटिंग बताया, ये 5 सेटिंग करके लॉन्ग टाइम बैटरी को यूज़ कर सको, बैटरी बैकअप बढ़ेगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो पर लाइक करना, शेयर करना। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।